फिटनेस वर्कर, सैनिटेशन वर्कर, आपका हॉस्टल स्टाफ, ये सारे लोगों का तनख्वाह आप स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। अ ड्रेस कोड फॉर वुमेन टू गो टू द मेस और फॉर एग्जांपल कर्फ्यू टाइमिंग 30,000 रुपीज से 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को जो दे रहे हैं उससे ज्यादा उनको देना पड़ेगा सालाना। For the past nearly 10 days in JNU, there's been a movement going on, a very strong movement by the students of the university regarding a very regressive hostel manual that has been very arbitrarily passed by the administration। बहुत ही छुप छुपा के एक मीटिंग को कन्वीन करके उन्होंने ये पास किया जिसमें स्टूडेंट्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था यूनियन से, और जो हॉस्टल्स के प्रेसिडेंट्स हैं उनका भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया गया। इस ड्राफ्ट मैनुअल में बहुत सारे एंटी स्टूडेंट मेजर्स लिस्टेड आउट हैं। दरअसल ये ड्राफ्ट ये कहना चाहता है कि जो अभी तक जो मौजूदा सिस्टम था उस सिस्टम को बदलते हुए बिना कोई कंसल्टेशन का स्टूडेंट्स रिजेक्ट करने के बावजूद ये कह रहा है कि अब यूनिवर्सिटी के अंदर खासकर हॉस्टल्स में जो सर्विसेज मेस में प्रोवाइड कर रहे थे, मेस वर्कर, सैनिटेशन वर्कर, आपका हॉस्टल स्टाफ, ये सारे लोगों का तनख्वाह स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि 300% से 1000% तक फी हाइक होने जा रहा है हॉस्टल्स में। दैट कम्स अराउंड 30,000 रुपीज से 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को जो दे रहे हैं उससे ज्यादा उनको देना पड़ेगा सालाना। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा मोर देन 40% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द कैंपस पे, जो 12,000 से कम महीना कमाने वाले फैमिली से आते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ड्राफ्ट मैनुअल ये भी कहता है कि एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होगा, क्योंकि ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट ड्रेस पहन के आपको रहनी पड़ेगी। और ये प्रशासन के बारे में हम लोगों को पता है कि जो कानून नहीं रहता है वो कानून है बोल के स्टूडेंट्स को हरास करता है। और इस तरीके का अगर कानून होगा, और क्यों होना चाहिए प्रॉपर स्पेस में, कि क्यों यूनिवर्सिटी कहेगा कि क्या ड्रेस हम पहनेंगे। इसके साथ साथ लाइब्रेरीज को क्लोज डाउन किया जा रहा है, उनके रीडिंग रूम्स को बंद किया जा रहा है, और 11 बजे का कर्फ्यू टाइमिंग रखा गया जहाँ पे स्टूडेंट्स अगर 11 बजे से पहले नहीं आएंगे और 11 बजे के बाद आएंगे उनको वार्डन से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर एक दिन भी यूनिवर्सिटी में नहीं रहेंगे उनको वार्डन से परमिशन लेना पड़ेगा और इजाज़त लेना पड़ेगा। और अगर इसमें कोई भी वायलेशन हो तो वार्डन के पास ये अधिकार है कि आप उनकी डिग्री रद्द करेंगे और उनको यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर देंगे। स्टूडेंट्स ने तय किया कि इस वाइस चांसलर के खिलाफ मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराना होगा, क्योंकि इतना फी हाइक करने के बाद, इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब वाइस चांसलर गायब है। जिस पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी से इस देश को एक नोबेल लॉरिएट मिला है उसी JNU को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, शट डाउन किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नया शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज को बंद करके कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज को और फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इस देश में लागू करेंगे, जिसमें कोई सोशल जस्टिस नहीं होगा, जिसमें कोई जेंडर जस्टिस नहीं होगा, जिनकी फीस पे करने के लिए आपको आपके घर, आपके तमाम चीजें बेचना पड़ेगा। और अगर इसका विरोध करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। The administration has considered to hold a meeting with hostel presidents along with the provosts of the hostels, but we would like to communicate to the administration and everybody out there who is extending support to our movement that we will be open to any form of dialogue only as long as you invite student representatives from the JNUSU, from the students union, and you make them party to any kind of decision that is being made with regard to the student community. And up until that does not happen, we are not going to concede to any appeasement from the administration.